मैं शारजा स्टेडियम के बाहर मौजूद हूं। पाकिस्तान आज स्कॉटलैंड के खिलाफ अपना आखिरी राउंड मैच खेलने जा रहा है, लेकिन मैं इन लोगों से बात करता हूं। पाकिस्तानी फैंस मेरे साथ मौजूद हैं। इंडियन टीम टूर्नामेंट से आउट हुई है, पाकिस्तानी क्या इस बारे में फील करते हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। इंडिया को पाकिस्तान ने पहले मैच में हरा दिया था, अब इंडियन टीम टूर्नामेंट से आउट हो गई है, एज ए पाकिस्तानी आपकी क्या फीलिंग है? इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, इंडिया तो पाकिस्तान तो जरूर जीतेगा। मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ, इंडियन टीम टूर्नामेंट से आउट हुई है, वो मेजबान थे, टूर्नामेंट से आउट हो गए हैं, तो इंशाल्लाह ये तो जब पाकिस्तान के सामने होगा, इंडिया के लिए मैच जीतेगा नहीं। पाकिस्तान के साथ जिधर भी खेल रखेगा वो हारेगा। पाकिस्तान हर डगर भी जीतेगा इंशाल्लाह, ये वर्ल्ड कप लेके जाएगा पाकिस्तान। आप क्या कहते हो? ये कहते हैं कि इंडिया अब जहाँ पे भी खेलेगा हम उसको हराएंगे। जैसे मेरे भाई ने कहा, इंडिया जिधर भी खेलेंगे, इंडिया के हमारा जिधर भी सामना हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना जिगर उनके रखता हूँ। और जो इंडिया ने खेला वो मेरा समझ में नहीं आया, वो कैसे खेला, वो कैसे निकल गया, मैं ये नहीं मानता हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पर मेरा फ़ख्र है और मैं पूरा पाकिस्तान टीम पर फ़ख्र करता हूँ। अल्लाह ताला ने ऐसी अच्छा टीम मेरे लिए बनाया। इस मेरे आप क्या कहते हैं? कहते हैं पाकिस्तानी टीम पे मैं फ़ख्र करता हूँ, लेकिन इंडियन टीम अब जहाँ पे भी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी हम उसको हराएंगे और वो टूर्नामेंट से निकलेगी, आपके क्या जज्बात हैं? इंशाल्लाह यही सिलसिला जारी रहेगा, हर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान जिंदाबाद इंशाल्लाह। आप लाला इधर आओ, लाला इधर आओ, लाला इधर आओ, इधर आओ, शर्मा क्यों रहे हो? शर्मा क्यों रहे हो? आप बताओ क्या आपकी क्या फीलिंग है? इंडियन टीम इस टूर्नामेंट से बाहर हुई है, पहले दो मैचेस हारने के बाद टीम वापस ही नहीं उठ सकी। या ये वजह है तो पाकिस्तान जीता है, वो अफगानिस्तान इंडिया का तो प्लेन हुआ है, वो बाहर हुआ है। दोनों टीम इंशाल्लाह आज न्यूजीलैंड में जीतेगा, दोनों बाहर हुआ है इंशाल्लाह। अफगानिस्तान पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह। आप क्या कहते हो? इंडियन के पास ये वर्ल्ड कप था, वो मेज़बान थे, हमने पहला मैच जो उनको हराया है वो वापस उठ ही नहीं सके हैं, क्या तुम्हारी फीलिंग है? जब कोई पैसे पे आता है तो इसी तरह होगा। अच्छा, पैसा कहाँ कहाँ चला, जरा बता दो सही। अफगानिस्तान का मैच फिक्स था, इससे पहले शोएब अख्तर ने उसको लाइव शो में बता दिया था कि आप लोग पैसे पे इधर तक पहुँच गए और हम इधर अपने मेहनत से, तो ये मेहनत है हमारे पाकिस्तान टीम का और इंडिया जो है वो पैसे पे आया था, पैसे पे आए। आपकी सर क्या फीलिंग है? अब भाग क्यों रहे हो सारे? सर आप मुझे बताएं, जरा इधर आए। पहला मैच पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था, इंडियन टीम अब टूर्नामेंट से बाहर हो गई है, अब क्या समझते हो कि पाकिस्तान के साथ पहला मैच हारने के बाद इंडियन टीम वापस टूर्नामेंट में आ ही नहीं सकी? असल में देखो, बींग पाकिस्तानी हमको पाकिस्तानी टीम पर फख्र है और इंडिया को हराया तो हमारे एहसास ज़ाहिर बातें अच्छे है, तो फीलिंग हमारी इंशाल्लाह वी होप यू विल विन द मैच इंशाल्लाह एंड यू विल वन द वर्ल्ड कप इंशाल्लाह। थैंक यू, आपने लोगों की गुफ्तगु सुनी है, इनके जज्बात सुनिए कि ये पहला मैच पाकिस्तान ने जो इंडिया को हराया था उसके बाद इंडियन टीम टूर्नामेंट में वापस नहीं आ सकी और ये लोग पुरअज़म है कि पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप जीतेगा।